इस न्यूज के प्रायोजक है लक्ष्य अकेडमी बालाघाट। MPPSC हो या व्यापम या हो SSC और रेलवे की परीक्षाएं, अगर आपका सपना हो MBBS बनने का, PNST क्लियर करने का या फिर JEE के साथ इंजीनियर बनने का, इसके साथ ही 10th 12th में रैंक लाने का, तो आइए और जुड़िए क्वालिटी एजुकेशन से। 9th टू 12th ऑन सब्जेक्ट, 3 दिन का डेमो लेकर स्वयं निर्णय लीजिए। हमारा पता है गोंदिया रोड बालाघाट नगर के बजरंग घाट गर्रा रेलवे क्रॉसिंग के पास रविवार की शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की पहचान उसके दस्तावेजों के आधार पर जिला सिवनी के एक शिक्षक के रूप में की गई। उधर स्थानीय लोगों ने सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस और कोतवाली पुलिस का अमला भी मौके पर पहुंच गया था, जहां शव की तलाशी लेने पर मृतक के काले बैग में रखे दस्तावेज के आधार पर पुलिस ने उनकी पहचान भारत लाल पिता मोहनलाल ओरमाड़े निवासी जत्तारा तहसील केवलारी जिला सिवनी के रूप में की गई। दस्तावेज में दर्ज मोबाइल नंबर पर संपर्क कर पुलिस ने स्वजनों को इस घटना की सूचना दे दी। पुलिस की जांच पड़ताल में मृतक के पास से मिले निर्वाचन संबंधित एक कागज के आधार पर पुलिस ने बताया कि मृतक सिवनी के एक स्कूल में प्राथमिक शिक्षक था। हालांकि भारत लाल की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई यह जांच का विषय है। पुलिस ने एम्बुलेंस को सूचना देकर शव को जिला अस्पताल भिजवाया, मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया। आपको बता दें कि महीने भर से में ट्रेन से टकरा कर या ट्रेन की चपेट में आकर मृत्यु का यह तीसरा मामला है। एक सप्ताह पहले ही बैयर रेलवे क्रॉसिंग के पास ही एक युवक के ट्रेन की चपेट में आ गया था, जिसके दोनों पैर कट गए थे। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई थी।